शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनुदी तलब करने के लिए मक्के से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम तो उनकी दोस्ती के पैगाम भेजते हो और वो दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकिर हैं, और इस बाइस से कि तुम अपने परवरदिगार खुदाए ताला पर ईमान लाए हो, पैगंबर को और तुमको जिला वतन करते हैं। तुम उनकी तरफ पोशीदा पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो, और जो कुछ तुम मख्फी तौर पर और जो अलल ऐलान करते हो वो मुझे मालूम है, और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रस्ते से भटक गया। अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पालें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं, और ईजा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और जबाने भी, और चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। कयामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और न औलाद। उस रोज वही तुम में फैसला करेगा, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देखता है। तुम्हें इब्राहिम और उनके रुफका की नेक चाल चलनी जरूर है। जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम खुदा के सिवा पूछते हो बेताल्लुक हैं और तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम खुदाए वाहिद पर ईमान न लाओ हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुल्ला अदावत और दुश्मनी रहेगी। हाँ, इब्राहिम ने अपने बाप से ये जरूर कहा कि मैं आपके लिए मगफिरत मांगूंगा, और मैं खुदा के सामने आपके बारे में किसी चीज का कुछ इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमारा भरोसा है और तेरी ही तरफ हम रुजू करते हैं, और तेरे ही हुजूर में हमें लौट कर आना है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको काफिरों के हाथ से अजाब न दिलाना, और ऐ परवरदिगार हमारे, हमें माफ फरमा, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। तुम मुसलमानों को, यानी जो कोई खुदा के सामने जाने और रोजे आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो उसे उन लोगों की नेक चाल चलनी जरूर है, और जो रूगर्दानी करे तो खुदा भी बेपरवाह और सजावार हम्द सना है। अजब नहीं कि खुदा तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे, और खुदा कादिर है और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सुलूक करने से खुदा तुमको मना नहीं करता। खुदा तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। खुदा उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम है। मोमिनों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आए तो उनकी आजमाइश कर लो, और खुदा तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि मोमिन हैं तो उनको कुफार के पास वापस न भेजो, कि ना ये उनको हलाल हैं और ना वो उनको जायज, और जो कुछ उन्होंने उन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो, और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उन औरतों को मेहर देकर उनसे निकाह कर लो, और काफिर औरतों की नामूस को कब्जे में न रखो, यानी कुफार को वापस दे दो, और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया हो तुम उनसे तलब कर लो, और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। ये खुदा का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है, और खुदा जानने वाला हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी औरतों में से कोई औरत तुम्हारे हाथ से निकल कर काफिरों के पास चली जाए और उसका मेहर वसूल न हुआ हो, फिर तुम उनसे जंग करो, और उनसे तुमको गनीमत हाथ लगे तो जिनकी औरतें चली गई हैं उनको उस माल में से इतना दे दो जितना उन्होंने खर्च किया था, और खुदा से जिस पर तुम ईमान लाए हो डरो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बैत करने को आएं कि खुदा के साथ ना तो शिर्क करेंगी, न चोरी करेंगी, न बदकारी करेंगी, न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, न अपने हाथ पांव में कोई बोहतान बांध लाएंगी, न नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी, तो उनसे बैत ले लो और उनके लिए खुदा से बख्शिश मांगो, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। मोमिनों, उन लोगों से जिन पर खुदा गुस्से हुआ है दोस्ती न करो, क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं, इसी तरह उन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं।